ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर। इसमें आज जो आपको टेंस की जानकारी दी थी, टेंस पढ़ाए थे, उसी से संबंधित कुछ ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है इसमें, मेरा आज अंग्रेजी पढ़ने का मन नहीं है, ठीक। उसको कैसे लिखेंगे? आई डू नॉट feel like studying, feel like studying English today. Second, बूढ़ी औरत अपनी पोती पर मुस्कुराई। The old lady smiled. Her granddaughter. Granddaughter. D-A-U-T-E-R. Next. वह थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए बाहर गया। तो he went outside. Outside for a breath, E-A-T-H, breath of fresh air, of air stored. Next, है मैं निकम्मा हूँ। I am a good for nothing. A good. For nothing. Next, मैं अपने कमरे में रो रही थी। He के लिए she was crying. Present tense. She was crying in her room. Okay. Next, मैं फैसला कर चुका हूँ। I have made a decision. I have made a decision. D E C I S I O N. ठीक, तो ये हुए हिंदी से इंग्लिश में टेंस वाइज ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है यह, अब ये आप वो रिपीट कर रहे हैं कि ये आप इसको फिर से रिवाइज करेंगे ना, ये लिखेंगी। नेक्स्ट है, यह जूते उसके हैं। आएगा दीज शूज आर हर्स। टी एच ई एस ई दीज शूज एस एच शो These shoes are hers. Next, हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं। Our class consists of 50 boys. गोलाबारी लगभग दोपहर के 12 बजे शुरू हुई। द शूटिंग स्टार्टेड अराउंड नून। द शूटिंग स्टार्टेड अराउंड नून। नेक्स्ट, तुम मेरे लिए एक बीटल्स का गाना गा सकते हो क्या? तो विल यू सिंग फॉर मी।
sing a Beatles song? Will you sing for me a Beatles song? Question mark. हाँ, वह अपने प्रयोगों में कबूतरों का उपयोग करता था. He used pigeons in his experiment. He used pigeon यानी कबूतर होते हैं. PIGEON in his experiment. Next, बेहतर हुआ कि इस बात को अनदेखा किया जाए. It is better to ignore this a point. यह साइकिल तुम्हारे लिए बहुत छोटी है. This bicycle is too small for you. This bicycle is too small for you. Next, तुम लंदन से कब वापस आए? When did you get back from London? When यानि कब होता है? When did you back from London? हर आदमी को खाना बनाना सीखना चाहिए. स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है. आप इसको टेंस वाइज अकॉर्डिंग इसको आपको लिख के आपको नोटबुक में कन्वर्ट करें. होमवर्क है ये आपका.